हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हुस्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है और ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग him how the wicked people had burned the mill mat from the pine tree. बहुत समय बाद नहीं, मतलब कि तुरंत बाद उस अच्छे आदमी को फिर से सपना आया और कुत्ते के आत्मा ने उसने उनको उनसे बात किया और उसे बताया कि कैसे उस दुष्ट लोगों ने पाइन ट्री से, यानी कि देवदार के पेड़ से बने हुए मिल को जला दिया था। अब डिटो कोमा के अंदर है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में है जो कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा। टैग द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द wither trees and they will bloom again, said the dog spirit. उस मिल के, यानी कि हाँ, जो मिल, मिल को तो मिल ही कहेंगे हिंदी में भी, जो लकड़ी का बना हुआ मिल था, मिल के राख को लीजिए, उनको सूखे हुए पेड़ पर छिड़क दीजिए और वो फिर से खिल उठेंगे, कुत्ते की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. वो बूढ़ा आदमी, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जब कोई वाउल साउंड के पहले दा लग जाए तो उसको दी पढ़ लेना चाहिए। नहीं भी पढ़ने से कोई गलत तो नहीं बोलता है, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है, और बाकी जगहों पर अगर दा है तो फिर उसको दा ही पढ़िए। वो बूढ़ा आदमी जागा और तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया, जहां पर उसने पाया कि वो दुखी बूढ़ा जोड़ा, पैर का मतलब जोड़ा, कपल को जोड़ा भी कहते हैं, माइजरेबल इसलिए कहा गया है, दुखी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो चाहता था कि मिल आ जाए मेरे पास, उससे सोना बनेगा, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो इस बात से दुखी था और इसलिए उसको यहाँ पर दुखी कहा गया है, उस बदमाश नेबर्स को। बैठा हुआ था फायर चकोर फायरप्लेस के किनारे, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जमीन के बीच में, स्मोक करते हुए और स्पिनिंग करते, स्पिनिंग का मतलब होता है जाला बुनना, जाला बुनते हुए और स्मोक करते हुए जमीन के बीच में चकोर फायरप्लेस के किनारे बैठे हुए थे। चकोर फायरप्लेस का मतलब है कि जैसे कोई जार होता है, मिट्टी का होता है या फिर किसी धातु का भी बनाया जाता है जिसमें कि आग को जलाते हैं, अंगीठी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वर्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। समय समय पर वो अपने हाथों और पैरों को उस मिल के टुकड़े के लौ से गरम कर रहे थे, ब्लेस मतलब लौ से गरम करते थे समय समय पर, यानी बीच बीच में, व्हाइल बिहाइंड, जो कि उन जिसका, वाइल का मतलब जो, जिसका, जो भी है, सब हर तरीके से वाइल का यूज होता है,
ये कटे हुए पीसेस, जिसका कि कटे हुए पीसेस का ढेर उनके पीछे पड़ा था। द गुड ओल्ड मैन हमली आस्ट फॉर द एशेस। अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रता से राख के लिए पूछा, यानी कि राख मांगा। दो द कोविटस कपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एट इफ ही वर अ थिफ। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद दी एशेस। हालांकि उस लालची कपल ने उसके साथ तिरस्कार से उसे ट्रीट किया। यहाँ देखिए टर्न अप देयर नोजेस यानी कि ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, मतलब कि उसे तिरस्कार से ट्रीट किया। एट हिम उसे, और स्कॉल्डेड हिम और उसे डांटा। एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। एज इफ यानी कि मानो या फिर जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम और फिर यहाँ पर कोमा है, तो इस तरह के सेंटेंस है जहां पर दो हो और फिर कुछ लिखकर फिर कोमा हो और फिर कुछ सेंटेंस लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हालांकि उसने ऐसा किया फिर भी उसने उसे एशेस को बास्केट में भरने दिया। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आने पर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बूढ़ा आदमी वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दी का मौसम होने के कारण उसका पसंदीदा चेरी का पेड़ नंगा था। नंगा मतलब कि पत्ते पत्ते झड़ गए थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। उसने राख की एक चुटकी को, यानी या फिर ये कह सकते हैं कि एक चुटकी राख को छिड़क दिया इस पर, किस पर, उस पेड़ पर, चेरी के सूखे हुए पेड़ पर। एंड बड़ा सरप्राइज, लो का मतलब होता है बड़ा सरप्राइज, इट स्प्राउटेड ब्लूज जोम्स। स्प्राउटेड इसको पढ़ेंगे फ्रेंड, स्प्राउटेड नहीं पढ़ते हैं, एट स्प्राउटेड ब्लूजम्स। ये फूल को अंकुरित करने लगा जब तक कि ये फूल गुलाबी खिले हुए फूलों से पूरी तरह से भर गया। क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है कि पूरी तरह से भर जाना। क्लाउड का मतलब बादल तो होता है, घटा भी होता है, लेकिन पूरी तरह से भर जाना को भी क्लाउड कहते हैं, जो जो कि हवा में जिसकी या फिर जिसकी सुगंध हवा में भर गई। परफ्यूम्ड का मतलब होता है महक का भर जाना, विच यानी जिसकी महक हवा में भर गई। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। ये खबर गांव में भर गई और हर कोई अचंभा को देखने के लिए भागा आया। द कोइटर्स कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल कैप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। उस लालची आदमी ने भी ये कहानी सुना, उस लालची जोड़े ने भी ये कहानी सुना और बचे हुए रिमेनिंग मतलब कि बचे हुए राख को समेटने लगा। समेटना मतलब इकट्ठा करने लगा, ग्रेडिंग आपका मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑफ द मिल मतलब मिल के बचे हुए राख को इकट्ठा करने लगा। सूखे हुए पेड़ को खिलाने के लिए, और यहाँ कोमा मतलब और है, और सूखे पेड़ को खिलाने के लिए रख दिया। ब्लॉसम का मतलब होता है कि पेड़ का खिल जाना, लहलहा जाना या फिर उसमें फूल लग जाना, यानी सारा कुछ
मिलकर रोजम बना है, पेड़ के बारे में जब बात हो तो। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैम्यू वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। वो दयालु आदमी ने सुना कि उसका मालिक एक जो कि जागीरदार था, डैम्यो यानी कि उसका मालिक एक जागीरदार, तो उस एरिया का जो मालिक था उस जमाने में जागीरदारों की ही चलती थी, तो अपने अपने एरिया का जो जागीरदार होता था वो उस एरिया का वो मालिक होता था, लॉर्ड होता था। तो उसने जब सुना कि उसका लॉर्ड एक एक जागीरदार ऊंचे रोड से उसके गांव के पास से गुजरने वाला था, वो उससे वो उस उसने राख के बास्केट को लेकर उससे मिलने के लिए निकला। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वेसाइड। जैसे ही वो जुलूस पहुंचा, यहाँ पर ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी नहीं है बल्कि प्रोसेशन है, प्रोसेशन जुलूस या हुजूम को कहते हैं। जैसे ही हुजूम पहुंचा वो पेड़ पर, वो एक पुराने सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि सड़क के किनारे खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियस, डेमियस के इन दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जब उनका लॉर्ड वहां से गुजरेगा, यानी कि जब भी वहां से गुजरे, सारे लॉयल पीपल के लिए ये रिवाज था कि वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर ले। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। यहां तक कि वो अपने वो इसे कागज के पर्चे से चिपका देते थे, यानी कि खिड़की पे कांच होता है ना, तो उसको भी वो कागज से चिपका दिया करते थे कि उनके कि कहीं उनके जो इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, उनके लॉर्डशिप को कोई हीन दृष्टि से या नीचे नजर, यानी कि ऊपर से नीचे देखने की कोई जुर्रत ना कर डाले। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है जुर्रत या दुस्साहस ना कर दे, कमिट का मतलब कर डालना। ऑल द पीपल ऑल्सो द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट Until the procession passed by, सारे people road में वो अपने हाथों और घुटनों पर हो जाते थे या गिर जाते थे, and और तब तक रहते थे remain processors until the procession passed by, और तब तक कि prostrate का मतलब होता है कि चेहरा को नीचे करके झुकाए रखना, prostrate, laying on the ground face downward, यानी कि अपने चेहरे को नीचे करके गिरे रहना। वो तब तक किए रहते थे जब तक कि वो जो हुजूम था, भीड़ था, वो गुजर ना जाए, पास्ट बाय, जब तक कि प्रोसेशन गुजर ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, हुजूम नजदीक आया, जूनियर का मतलब कि नजदीक आया। वन टॉल कमिटेंट मैन मार्च्ड अहेड
क्राइड आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज। एक लंबा सा सक्षम आदमी, हट्टा कट्टा आदमी को भी कहते हैं कॉम्पिटेंट मैन, मार्च अहेड पहले आया, यानी कि वो जो पीछे भीड़ था और वो पहले से आगे आ गया। क्राइड आउट टू द पीपल, लोगों को चिल्लाकर बोलने लगा बाय द वे, जो कि रास्ते में था। बाय द वे यहाँ पर ये नहीं है कि बाय द वे यानी कि वैसे, उसके लिए बाय द वे नहीं है। बाय द वे मतलब यहाँ पर रास्ते के जो किनारे थे, जो भी लोग थे वो बीच से, तो वो लोग जाते हैं तो वो लोग किनारे किनारे जो भी थे रास्ते किनारे, उन सबको वो कहने के लिए पहले आया। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर हो जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर हो जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पास्ट, और सारे लोग घुटने पर हो गए जब तक कि प्रोसेशन गुजर रहे थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन काउट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री। अचानक से वैन के लीडर की नजर पड़ी, काउट साइट यानी नजर पड़ी ऑफ द एज मैन यानी उम्र दराज आदमी जो कि पेड़ पर था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, उसने वो उसे गुस्से वाले लहजे में बोलने ही वाला था, बट सींग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। पर ये देखकर कि इतना बूढ़ा आदमी, फेलो का मतलब व्यक्ति या आदमी होता है, उसने नाटक या ही प्रिटेंडेड यानी उसने नाटक किया नोटिस ना करने का और वहां से गुजर गया। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। तो जब डेमियोस का शाही वैन वहां से गुजरा, ड्रू नियर सॉरी पास आया, उस आदमी ने एशेश का चुटकी मतलब कि एक चुटकी एशेश लिया अपने बास्केट से, स्कैटर्ड इट और इसे छितरा दिया ओवर द ट्री पेड़ के ऊपर इन अ मोमेंट एक क्षण में, इट बस्ट इन टू ब्लॉसम, ये एक क्षण में फूल, इसमें फूल खिल गए। बस्ट इनटू इनटू ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, तो इसमें फूल खिल गए उस पेड़ में। द डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एट एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। प्रसन्न डेम्यू ने ट्रेन को यानी हुजूम को ऑर्डर दिया रोकने का और बाहर निकले देखने के लिए अचंभा को। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसे ओल्ड मैन को अपने पास बुलाते हुए ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स स्पंज केक फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवेन हिम। उसे थैंक किया और आदेश दिया रेशमी कपड़े का भेंट, स्पंज केक, पंखे और अन्य इनाम को उसे देने का। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, यहाँ तक कि उसे अपने किला में इनवाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ा आदमी खुशी से ग्लीफुली यानी प्रसन्नता से भरकर घर गया अपनी और अपनी वाइफ के साथ अपनी खुशी को शेयर किया।
प्यारी वाइफ, प्यारी बूढ़ी वाइफ के साथ ने खुशी को शेयर किया। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब उसके लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। उसने कुछ मैजिक जादुई एशेस राख को लिया और हाईवे की ओर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेम्योस ट्रेन कैम अलोंग, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइंब अ विदर्ड चेरी ट्री। जहां वो डेम्यूज के हुजूम का वेट करने लगा जब तक कि वो वहां आ जाए, और भीड़ की तरह घुटने पर होने के बदले वो सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. जब daimyo लगभग ठीक उसके नीचे था, almost यानी लगभग ठीक उसके नीचे था, daimyo मतलब वही जागीरदार, यानी कि वो खुद ही आ गया था उस पेड़ के नीचे। हिमसेल्फ वाज, वो खुद ही उसके नीचे आ गया था, वो दूर में भी डैम्यू नहीं था उस वक्त। ही थ्रू अ, वो उसने हैंडफुल मतलब मुट्ठी भरकर राख उसके पेड़ के ऊपर फेंक दिया। विच डिड नो नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो जिसने की जरा भी भाग को, पार्टिकल मतलब किसी भी चीज के जरा सा भी भाग को कहते हैं पार्टिकल, तो पेड़ का यहाँ पर बात हो रहा है, तो पेड़ के भाग को बिल्कुल भी नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेम्यो एंड हिज वाइफ। हवा ने उस बारीक डस्ट को डेम्यो और उसकी वाइफ के नाक में उड़ा दिया। Such sneezing and choking, it spoiled at all the pomp and dignity of the procession. इतनी छींक और घुटन इसने जो वैभव और गरिमा, प्रोसेशन की वैभव और गरिमा को बिगाड़ दिया। पॉम्प मतलब पॉम्प, एक्चुअली पॉम्प इसको पढ़ते हैं, पॉम्प नहीं पढ़ते, पॉम्प। और मतलब वैभव और डिग्निटी यानी गरिमा को, जो प्रोसेशन का था उसको बिगाड़ दिया, स्पॉइल्ड। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, वो आदमी जिसका काम था उसने चिल्लाया, यानी कि वो आदमी एक हट्टा कट्टा जो आदमी था जिसका ये सब रोकना बोलना काम था, उसने कहा, अब ये डिटो कॉमा के, डिटो मार्क के अंदर है तो मतलब उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ऐसा कहा, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज्ड, गेट डाउन ऑन योर, उसने कहा कि अपने घुटने पर हो जाओ, उस आदमी को कहा, उस बूढ़े को, बदमाश बूढ़े को कहा उस आदमी ने जिसका वो काम था, ड्यूटी था। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसे कॉलर से पकड़ा, यानी कि कॉलर को पकड़ा, कॉलर को पकड़ते हुए पकड़ा। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से घसीटते हुए, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और फेंक दिया उसे और उसके राख के बास्केट को रोड के किनारे खाई में। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, फिर उसे बुरी तरह से पीटा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। साउंडली का मतलब बुरी तरह से या अच्छी तरह से या एकदम
पूरी तरह से हर तरीके से साउंडली वो यूज होता है। अब आप अगर कहते हैं बुरी तरह से पीटा तो आप बुरी तरह से यूज करिए, आप अगर कहते हैं अच्छे से पीटा है तो आप इसका मतलब अच्छे से समझिए, इसी तरह से यूज होता है ये साउंडली। द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह से वो बदमाश बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, पर वो कुत्ते का दयालु दोस्त यानी कि वही वो आदमी रहा शांति और समृद्धि से रहता था। ड्वेल्ट मतलब कि रहता था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी वाइफ ने मतलब ग्रीन ओल्ड एज का मतलब होता है कि जिसमें बहार हो, खुशियां हो, कहते हैं ना उसके दिन हरे हो गए, उसी तरह से अंग्रेज जो भी यूज करते हैं, तो वो अपने हरे दिन को साथ में वो दोनों मतलब कि एंड बॉथ वो दोनों अपने हरे दिन को जिए, यानी जितने दिन जिंदा रहे हरे दिन को जिए। हरे दिन का मतलब तो हिंदी में भी हम लोग कहते हैं दिन हरे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स? बूढ़ा किसान दयालु आदमी था, आपने क्या एविडेंस पाया पहले दो पैराग्राफ में इसका, यानी एविडेंस ऑफ आप उसके काइंडनेस होने का क्या एविडेंस पाते हो पहले दो पैराग्राफ में, यानी स्टोरी के पहले दो पैराग्राफ में आप के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो कौन सा एविडेंस है जिससे ये प्रूफ होता है कि ये दयालु पर्सन था। तो आंसर है द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन बिकॉज वी रीड इन दिस स्टोरी, क्योंकि हम स्टोरी में पढ़ते हैं कि हाउ ही ट्रीट्स हिज डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड, कि कैसे वो अपने कुत्ते को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। एंड When he goes to his farm, और जब वो अपने खेत जाता है, he gives food to the birds too, वो पक्षियों को भी खाना देता है। ये चीज हमने देखा था कि ऐसा करता है वैसा करता है, और ये फर्स्ट दो पैराग्राफ जो है उसी के अकॉर्डिंग बताना है। तो फर्स्ट दो पैराग्राफ में ये दोनों चीजें बताई गई हैं। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग ने फार्मर को छुपे हुए सोना को बताने के लिए क्या किया था? तो आंसर है द डॉग कैम रनिंग टू हिम मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड एंड कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। कुत्ता भागता हुआ आया और अप कॉमा का मतलब है और अपने सर को दूसरी तरफ पीछे कहीं और की तरफ घुमाया। इशारा क्या? मोशनिंग का मतलब होता है कि घुमाना, घुमाया। एंड और कैप्ट ऑन और जारी रखा विनिंग, रोना अपना जारी रखा, मतलब विनिंग मतलब धीरे धीरे रोना जो होता है, रोने का आवाज जारी रखा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो और यहाँ वहां भागते हुए फॉर सम मिनट, वो भागते हुए रहा कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द डॉग बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग। डज द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? और वो जो आदमी था उसने कुछ गज पीछे फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, उस जगह से कुछ गज पीछे हिडन जहां पर वो उसके पीछे गया, जहां पर वो खुशी से प्रसन्नता पूर्वक स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो उससे उसको लगा कि वहां पर कुछ है, उसके बाद ही तो बाकी का प्रोसेस हुआ ना। तो इसी तरह से उसने उसको लीड किया था, डॉग ने अपने मालिक को लीड किया ये सब कुछ करते हुए। नंबर थ्री का
क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। डॉग डॉग के स्पिरिट ने फार्मर को सबसे पहले किस तरह से हेल्प किया, पहली बार में किस तरह से हेल्प किया वो बताना है। तो आंसर है द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू ऑल मैंस ड्रीम। डॉग का स्पिरिट आदमी के, उस बूढ़े आदमी के सपने में आया एंड सेट टू कट द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर हिज राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर हिज बीन सॉस। सपने में आया और कहा कि जो उसके कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसको काट लेने के लिए और उससे मोटर और राइस पेस्ट्री के लिए मोटर और बीन सॉस के लिए मिल बनाने के लिए। इस तरह से डॉग ने फार्मर के सबसे पहले मदद की। नंबर 2 में है हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। किस तरह से इसने नेक्स्ट हेल्प की, यानी अगली मदद किस तरह से की। तो अगली मदद उसने की थी द स्पिरिट ऑफ द डॉग अगेन अपीयर्ड टू ओल्ड मैन्स ड्रीम। डॉग का स्पिरिट फिर से आया इसके सपने में, ओल्ड मैन के सपने में आया और कहा हाउ द विक्ट विकेट, सॉरी इसको विक्ट नहीं विकेट ही पढ़ते हैं, दुष्ट या बदमाश उसको कहते हैं, गलती से कभी कभी विक्ट पढ़ लिया जाता है लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए। विक्ट पीपल हैड बर्नड द मिल। किस तरह से विकेट पीपल ने मिल को बर्न किया, जला दिया और जो कि पाइन ट्री से बना हुआ था। He also told him to bring the ashes of the mill and sprinkle those on the withered trees so that the trees would bloom again. उसने कहा कि वो उसने बताया कि किस तरह से उसने पाइन ट्री से बने हुए मिल को जला दिया। उसने ये भी कहा कि उस मिल के एशेस को लाने के लिए और उसे विदर ट्री पर छिड़कने के लिए। इस तरह से उसने फिर और वो फिर से खिल उठेगा। दस इसके बाद लिखना था दस दस लिखकर फिर जो क्वेश्चन का ये है दस नेक्स्ट वाला कहाँ है, हाँ दस The dog help him next। हाँ ये does लिखकर ये लिख देना है, बाद में वो छूट गया लिखने में। अच्छा कोई बात नहीं। अब नंबर 2 का क्या है, ये हो गया नेक्स्ट भी हो गया, फर्स्ट हिडन गोल्ड, सॉरी फॉर्मर हिडन, हाँ हिडन गोल्ड इसका हो गया, इसका हो गया करा दिया। ठीक है ये सारा क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।